नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग 0 to 9 और मैं हूं आपका होस्ट एमके वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है हिस्ट्री के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ तुर्कन ए चिहलगानी हैज बीन मेड इन मीन्स तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर है फतु उस सलातिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मंगोल जनरल डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजी? किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो इसका आंसर है तर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीवाने खालसा वाज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द दीवाने खालसा इन में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? इसका आंसर है लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द 9 कस्प्ड आर्चेस वर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड इन मुस्लिम आर्किटेक्चर इन इंडिया? भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहरबाबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? इसका आंसर है बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहां, शाहजहां के भवनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ मुजहिद वाज conferred to which Mughal emperor by the contemporary historians means समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट न्यू स्टाइलिस्टिक फीचर इज फाउंड इन द टॉम ऑफ खाने जहां तेलंगानी बिल्ट एट दिल्ली अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑक्टागोनल इन प्लानिंग, योजना में अष्टभुजीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टाइल्स ऑफ द सुल्तनेट पेंटिंग पेव्ड द वे इन द फाउंडेशन ऑफ द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग? सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? तो इसका आंसर है चौर पंचासिक, लौर चंदा और इंडो पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलसीदास वाज द ऑथर ऑफ विच बुक? तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कवितावली, रामचरितमानस और गीतावली। तो इन सभी बुक्स के लेखक जो है तुलसीदास थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वर्कारी सेक्ट?
निम्नलिखित में से किसे वर्कारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था? तो इसका आंसर है नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स वाज अ कैरिकेचुरिस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य कलाकार था? तो इसका आंसर है मिस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहजहां फॉट द बैटल ऑफ करतारपुर अगेंस्ट, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो इसका आंसर है गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर में युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर वॉज नॉट अ डच कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया? मीन्स, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिकीय केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर है हगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंग्लिश ऑफिसर हु ऑब्टेन्ड मद्रास ऑन लीज इन 1639 फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी? उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो इसका आंसर है फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द रूलर हु वाज डिपोज्ड इन 1875 ऑन चार्जेस ऑफ ग्रॉस मिसरूल? उस शासक का नाम बताएं जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। तो उसका आंसर है मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंग्लिश इवनिंग डेली न्यूज़पेपर फ्रॉम मद्रास वाज? मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो इसका आंसर है द मद्रास मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 वाज नॉट वन मूवमेंट, इट वाज मैनी? द अबव स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय? 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। यह कथन इनमें से किसने कहा था? तो इसका आंसर है सी ए बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर डिड नॉट प्रिसाइड एनी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्वदेशी डकैती और रॉबरी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1906 इन? निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो इसका आंसर है रंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है जॉन विकिल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड द वर्ड कोल्ड वार फर्स्ट?
कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर ब्लड आर्यन थ्योरी इज रिलेटेड टू मीन्स शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नाजीवाद यानी कि नाजीज्म, नाजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट हिस्ट्री बेसिस ऑल इट्स कॉन्क्लूजन्स ऑन रैशनल एविडेंस? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो इसका आंसर है थ्यूसीडाइडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वॉज नॉट ऑथर्ड बाई लियोपोल्ड वॉन रांके? निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपोल्ड वॉन रांके नहीं थे? तो इसका आंसर है हिस्ट्री ऑफ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग रोट दैट द काउज इफेक्ट रिलेशनशिप इज एन ऑब्स्टेकल फॉर हिस्ट्री? निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि कार्य कारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? तो इसका आंसर है थियोडोर जेल्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द नरेटिव हिस्ट्री राइटिंग कंसिडरिंग द टाइम इज लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? तो इसका आंसर है एंकर सिमिट। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग 0 to 9।